हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक अलग तरीके का डिश। आपने कभी इसको खाया भी नहीं होगा और इसका नाम तो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो दोस्तों, ये वाइट कलर दिख रहा होगा, फूल टाइप है ये। इसको जो है अगस्त का फूल कहते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगस्त का फूल भी होता है और इसकी पकौड़े बनाकर खाए जाते हैं। ये फूल जो है काफ़ी महंगा भी मिलता है और ज़्यादातर ये मिलता नहीं है, बहुत ही मुश्किल से बाज़ार में मिल पाता है। जो गांव के लोग होते हैं उसे ये रखते हैं तभी बेचते हैं। तो चलिए, अब इसके पकोड़े हम बनाएंगे। तो इसका जो डंठल है पहले इसको तोड़ लेना है, देख सकते हैं जो हार्ड वाला है उसे हटा देना है पूरा। तो पूरे फूल से हमने डंठल को अलग कर दिया है फूल से। तो इसे हमने अच्छे से 3 से 4 बार पानी में धुल लिया है और पूरे एक एक फूल को ऐसे हटा हटा कर धुलना है ताकि इसमें कोई कीड़े ना हो। देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से अच्छे से धुल लेना है। ये वाइट वाला हमने फूल लिया है, रेड कलर का भी आता है अगस्त का फूल, तो कोई सा भी मिल जाए आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो पहले फूल को धुल कर कट करेंगे, फिर कट करने के बाद भी हम इसको धुलेंगे। तो बड़े बड़े साइज़ में थोड़े से हम कट कर ले रहे हैं। हम इसको मिक्स करके बनाएंगे प्याज के साथ, आप चाहे तो सिंगल भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, इतना हमने कट कर लिया है। तो सभी फूल को कट करके धुल लेते हैं। तो एक बाउल ले लिया है और फूल को हमने अच्छे से कट करके पूरा धुल लिया है, देख सकते हैं। तो हम इसमें प्याज डालेंगे। तो इसी प्याज डालकर हम मिक्स पकौड़ा बना रहे हैं। तो एक बड़े साइज का प्याज था दोस्तों, तो उसे हमने बारीक बारीक में कट किया है, देख सकते हैं। तो जितना फूल लगा उसी के हिसाब से हमने प्याज भी ऐड किया है। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इसमें। ये फूल अगर आपके यहाँ मिलता है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच से भी कम हींग डाल देना है आपको। अब इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहे तो मिर्ची कट करके भी डाल सकते हैं, पर हम पाउडर का यूज किए हैं। नमक डाल देना है स्वाद के अनुसार। तो अब इसमें एक छोटी चम्मच साबुत जीरा, आप अजवाइन भी ले सकते हैं दोनों में से। ये हरी चटनी है लहसुन मिर्ची और धनिया का, ये हम ले रहे हैं। ये बिना नमक वाला है क्योंकि नमक हमने डाल दिया है। बेसन डाल देंगे, तो बेसन जो है कम ज़्यादा जैसा भी इसमें यूज हो उसी के हिसाब से आप ऐड करें। तभी हमने थोड़ा बेसन डाला है, अगर कम होगा तो हम बाद में भी ले सकते हैं। तो इसको पहले बिना पानी का अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए काफ़ी ड्राई दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं। ज़्यादा गीला भी बेटर नहीं होना चाहिए, मीडियम का हो डो ताकि पकौड़े अच्छे से बनकर तैयार हों। तो ये देखिए डो ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये ऐसे देख लेना, चेक करके बाइंड हो रहा है कि नहीं। तो बाइंड हो रहा है तो बेसन परफेक्ट था। तेल गर्म होने के लिए हमने रख दिया था रिफाइंड ऑयल में। हम इसे फ्राई करेंगे और मीडियम साइज़ के पकौड़े बनाकर खाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है और बिना चावल का आटा डाले ही आप ये जो पकौड़े बना सकते हैं। तो थोड़े मीडियम साइज़ के छोटे छोटे हम पकौड़े डाल रहे हैं दोस्तों। तो सभी हमने डाल दिया है, ये देखिए। तो तुरंत ना चलाएं, थोड़ी देर बाद ही इसको हिलाना है ताकि नीचे एक साइड पक जाए। तब इसको हम पलटे से हिला लेते हैं, ये देखिए ऐसे हिला लेना है। तो सभी पकौड़ों को हम अच्छे से पलट लेते हैं। प्याज डालकर बनाइए, बहुत ही अच्छा पकौड़ा बनता है। आप चाहे तो आलू को भी ग्रेट करके बना सकते हैं इसमें। तो हल्का सा सुनहरा कलर होने देंगे और इसे हम फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए हमारे पकोड़े जो है बनकर तैयार होने वाले हैं, देख सकते हैं। देखने में कितने क्रिस्पी दिख रहे होंगे आपको। तो चलिए अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो एक बार का जितना डाला था वो हमने निकाल लिया, तो और भी निकालते हैं हम दोस्तों जितने फ्राई डाले थे। तो ये देखिए ये पकौड़े भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो सभी पकौड़े हम ऐसे बना लेंगे। तो ये हमने बना लिया है और चटनी और टमाटर स्वाद के साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं। तो ये पकौड़े हम आपको दिखा देते हैं, जितने देखने में अच्छे लग रहे उतने ही खाने में टेस्टी हैं।
तो दोस्तों अगस्त का फूल और प्याज के मिक्स पकौड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो लाइक शेयर और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम आपके लिए और भी ऐसी टेस्टी चटपटी रेसिपी लाते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।